नमस्ते दोस्तों, आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं गिरिधर नागर। इस पद्य का पहला पद प्रस्तुत करने में सहायक है निशा साळुके जी, राजश्री शाह स्कूल, रिंग रोड, फुलेवाड़ी, कोल्हापुर। तो चलिए दोस्तों, गिरिधर नागर इस कविता का पहला पद देखते हैं, जिसकी कवयित्री है संत मीराबाई। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दही कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। सबसे पहले हम यहाँ पर परिचित शब्द देखेंगे। देखिए शब्द कौन कौन से आए हैं इसमें। जाके यानी जिसके, सोई यानी है, छाड़ी यानी छोड़ देना, त्याग दी, ठीक यानी पास निकट, और कानी यानी मर्यादा। यहाँ पर मीरा जी ये कह रही है मेरे तो गिरिधर गोपाल है। अब देखिए, जो गिरी को धारण करने वाला होता है उसे गिरिधर कहा जाता है, और उसके साथ साथ जो गायों का पालन करने वाला होता है उसे गोपाल कहा जाता है। यानी एक तरफ गिरिधर असामान्य भी है और गोपाल एक सामान्य व्यक्ति की भांति, एक गौशाला चलाने वाला, एक ग्वाला, इसकी भांति यहाँ पर असामान्य, सामान्य जैसा भी रूप है श्री कृष्ण का वो मेरे ही है। यहाँ पर संत मीराबाई जी कहती है कि जिसने अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किया है वही मेरे पति है। अब आगे भी कहती है कि उस मोर मुकुटधारी गिरिधर को पाने के लिए मैंने कुल की परंपरा त्याग दी है। अब कौन क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर मीरा कह रही है। वह संतों के पास जाकर बैठकर श्री कृष्ण जी की भक्ति करती है, संतों से ज्ञान बांटती है। इस समय उसने सब लोक लज्जा छोड़ दी है, त्याग कर दी है। यहाँ पर मीरा जी कह रही है अपने श्री कृष्ण को पाने के लिए उसने ना केवल कुल की परंपरा छोड़ दी है बल्कि लोक लज्जा भी छोड़ दी है। वैसे तो राज परिवार से संबंधित थी मीरा जी। यहाँ पर वो ये हम बताना चाहते हैं कि कुल की मर्यादा छोड़कर एक आम व्यक्ति की भांति वह संतों के निकट जाकर बैठती थी और श्री कृष्ण जी के भजन गाया करती थी। यानी लोकलज्जा और कुल की परंपरा का मतलब यहाँ पर यह होता है कि एक राज परिवार से संबंधित होने के बावजूद भी एक आम व्यक्ति की तरह मीरा जी भजन में, श्री कृष्ण जी के भजन में लीन हो जाती थी। आगे बढ़ते हैं। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। असुवन यानी आंसुओं से, सिंची यानी सिंचना, बेल लता, बोई बो देना लगाना, आनंद यानी आनंद हर्ष। इस पद में मीरा जी कह रही है मैंने प्रेम की बेला बो दी है और इस बेला को बढ़ाने के लिए आंसू रूपी जल जो है उसका सिंचन की तरह इस्तेमाल किया है। आंसू रूपी जल से सींच सींच कर उस बेल को बड़ा किया है। अब बेल जो है वो फैल गई है, उस पर फल आ रहे हैं। अब जबकि बेल प्रेम की हो तो उस पर जो आने वाले फल होते हैं वह आनंद के ही होंगे। तो यहाँ पर मीरा जी कह रही है कि आनंद रूपी अब फल लग रहे हैं। जहाँ प्रेम होता है वही आनंद होता है। कृष्ण रूपी प्रेम की बेला का विस्तार होने लगा है और श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और स्नेह बढ़ता जा रहा है, यही यहाँ पर मीरा जी कहने का प्रयास कर रही है। आगे बढ़ते हैं। दूध की मतनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाज पिए कोई। अब मतनिया यानी मथानी, बिलोई यानी बिलोया। हम सब जानते हैं कि दूध से दही लगाने की प्रक्रिया और फिर उससे मथने पर जो माखन निकलता है
इस रूपक द्वारा मीरा जी कहना चाहती है कि मैंने भगवत रूपी प्रेम रूपी मथाने से कृष्ण भक्ति को बिलोया है, माखन यानी श्री कृष्ण जी को उन्होंने पा लिया है, शेष बचा छांछ यानी सांसारिक मोह लालसा जो है उसको छोड़ दिया है, अब उसे कोई भी स्वीकार करे या कोई भी पी ले। आगे देखते हैं। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। शब्द देखते हैं। भगत यानी भक्त, राजी यानी खुश होना, तारो यानी तारण करो, तारण हार मुक्ति दिलाने वाला, मोही यानी मुझे। इस पद में मीरा जी ये कह रही है, भक्त देखकर खुश हो गई। सांसारिक जीवन में दूसरे जब लोग मिलते थे तब मीरा दुखी होती थी, परंतु जब भक्त देखती थी, कृष्ण भक्त को देखती थी तो वह खुश हो जाती थी। वे कहती है कि मैं आपकी दासी हूं, अब आप ही मुझे तार दो, आप ही मुझे मुक्त करा दो, आप ही मेरे तारण हार हो, ऐसा यहाँ पर मीरा जी कह रही है। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।